अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हम लोग व्हाट्सएप की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली एक व्हाट्सएप की एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। सिक्योरिटी ब्रीच होता है क्या है और इसके अलावा हम लोग उसके प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होती क्यों है। कोई ऐसी चीज़ होती है, आपके कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग हुई होती है बेसिकली, तो कोई भी ऐसे कोई फिज़िकली वॉल नहीं होती। अगर हम लोग एंटीवायरस की बात करें जो आप लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं या आप अपने मोबाइल के अंदर भी आपने किया होता है, या सिक्योरिटी होती है गूगल की तरफ से, क्योंकि एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है जो अगर आपके मोबाइल में होता है, लेकिन वो भी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है क्योंकि कोई फिज़िकली वॉल नहीं क्रिएट होती है आपके बाहर की दुनिया से। आपके जो एप्लीकेशंस की जो दुनिया है, यानी कि एक वर्चुअल दुनिया है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली कोडिंग ही हुई होती है। कोडिंग कोई भी बंदा ब्रीच कर सकता है, अगर उसको कोड का थोड़ा बहुत भी आइडिया हो जाए तो वो उस कोड के अंदर घुस सकता है और आपकी सिक्योरिटी के अंदर, यानी कि आपके जितने भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उसको वो जो है वो लीक आउट कर सकता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या होता है। अब देखें कि जितनी भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके अंदर अपग्रेडेशन आती रहती है, तो आपको साथ साथ अपडेट करना चाहिए। जैसे आपकी कोई MIUI का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाता है तो आपको वो भी करना चाहिए, ठीक है। आपके मोबाइल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, आपको साथ साथ अपडेट रहना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि आपने जैसे कि हर गुजरते घंटे के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ठीक है, जितने भी हैकर्स हैं वो लोग बैठे हुए हैं और वो लोग सिक्योरिटी ब्रीच करना चाहते हैं ताकि वो लोग आपके जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो अपने पास गेन कर लें और आपको ब्लैकमेल कर सकें या आपका किसी भी तरीके से आपका नुकसान पहुँचा सकें। अगर हम लोग बात करते हैं हैकर्स की, तो हैकर्स जो है ना एक प्रोग्रामर की भी एक नेक्स्ट फॉर्म है। अगर हम लोग बात करें ना कि अगर एक प्रोग्रामर होता है, एक बेहतरीन प्रोग्रामर होता है, ठीक है, अब उनका भी कोई सीनियर मोस्ट अगर प्रोग्रामिंग की अगर आप लोग कहना कोई कुर्सी होती है तो वो हैकर होता है। हैकर को सारे वो काम आते हैं जो कि एक प्रोग्रामर कर सकता है, तो इसलिए जब वो एक्सट्रीम उस चीज़ पे पहुंच जाता है तो अगर वो चाहे तो वो अपनी चाहे तो अपने स्किल्स को अच्छी जगह पे लगा सकता है, जिसको हम लोग एथिकल हैकिंग कहते हैं, कि अगर किसी का PC वगैरह ख़राब हो गया है तो वो उसकी एक्सेस ले लेगा, गेन करेगा और जो है वो उसको ठीक कर देगा। लेकिन अगर वही प्रोग्रामर चाहिए तो अब उसकी नीयत के ऊपर है, तो वो इस चीज़ को ख़राब मानों में भी इस्तेमाल कर सकता है और लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो काफ़ी अरसे से एक चीज़ चली आ रही है, आप लोगों ने सुना होगा, ब्राइब करना लोगों को, यानी कि आप लोगों ने उनको लालच देना। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे, फिज़िकली पहले आप लोगों ने सुना होगा इस तरह के मामले होते थे कि किसी की कोई तस्वीर लीक हो चुकी है, आप लोगों को किसी ने मतलब ब्लैकमेल कर लिया। ब्लैकमेल पहले फिज़िकली होता था, लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ व्हाट्सएप की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उसके अंदर ऐसी चीज़ भी देखने में सामने आई है कि जिसके अंदर आप लोगों को ब्लैकमेल ही अब वर्चुअली होती है। वर्चुअली का मतलब ये है कि अब ऑनलाइन आपके साथ ब्लैकमेलिंग भी शुरू होगी, क्योंकि देखेंगे अब लॉकडाउन का समान है, ठीक है, ऐसे टाइम के अंदर आपने देखा है कि जितने भी लोग हैं वो सारे घर में बैठे हैं और ऑनलाइन की जो खरीदो फरोख्त है वो भी ज़्यादा शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन जो एग्जिस्टेंस है लोगों की वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में जो हैकर्स हैं वो लोग भी थोड़े एक्टिव हो गए हैं। तो व्हाट्सएप की जो सिक्योरिटी ब्रीच उन्होंने की है वो ये है कि आप लोगों को एक कॉल आती है, ठीक है, कॉल आपको कोई भी एनोनिमस आ जाएगी, ठीक है, या किसी उस पर लड़की की तस्वीर बनी हुई होगी, ठीक है, जब वो आपको कॉल आती है आप देखोगे भाई ये आपको कोई जानने वाला है या नहीं है। बस अक्सर तो एशिया के अंदर यही होता है कि भाई आपका जानने वाला हो या ना हो, बस लड़की की तस्वीर बनी है, बस हमने कॉल उठा लेनी है। कॉल आप उठाएंगे उसके तकरीबन 10-1 सेकंड तक, ठीक है, आपको कुछ न्यूड्स इमेजेस शो होंगी। आपका इंसान का ध्यान नहीं रहता क्योंकि भाई आपको तस्वीरें शो हो रही हैं, तो आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा भाई ये क्या है। आप हो सकता है फ़ौरन आप जो है वो बंद कर दें उसको, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप तो भूल जाएंगे, एक दिन गुजर जाएगा, दो दिन गुजर जाएगा, ठीक है, आप लोगों को वो बात याद भी नहीं रहेगी कि भाई वो हुआ क्या था। फिर अचानक से क्या होगा कि आपको उसी नंबर से कुछ आपको इमेजेस आ जाएंगी, यानी कि आपकी, क्योंकि जब आपका व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट होता है आपने उसको आपने इजाज़त दी होती है, यानी कि आपने उसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया होता है कि वो आपके कैमरे की जितनी भी जो सिक्योरिटी है वो उसके पास चली जाती है, यानी कि कैमरे का एक्सेस उसके पास चला जाता है। तो अब क्या होता है कि जब आपने वो न्यूड इमेजेस देखी हैं तो ठीक है, आपकी वो तस्वीर जो है वो उस वक्त खींच गई, उस बंदे ने खींच लिया, अब वो आपको ब्लैकमेल करेगा कि भाई आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है मैं उसके अंदर ये सारी तस्वीरें शेयर कर देता हूँ, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो फलानी जगह पर मुझे इतने इतने पैसे दे दें, और ये अब उसके ऊपर वो जितने मर्ज़ी आपसे पैसे मांगता रहे।
तो ये जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं सिक्योरिटी के लिहाज से जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो इस ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं, कभी ऐसी चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा ही व्हाट्सएप के हवाले से आ रही है। तो अगर आपको कोई ऐसी कॉल आती है तो आपने सबसे पहले तो अननोन नंबर से आप कॉल उठाएं ही ना, यानी आपको लगता है कि इस नंबर को मैं नहीं जानता तो आप ना कॉल उठाएं और उसको डिसकनेक्ट करें और फिर वेरीफाई करें कि भाई ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट करता भी है आपकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में या नहीं। अगर करता है तो आप कॉल बैक कर लें, नहीं करता तो आपको उस पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी सिक्योरिटी लीक हो गई। क्योंकि ये ऐसा इशू है, इस पर लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई तस्वीर मिल जाए न्यूड इमेजेस के आपको देखते हुए, और आपके आप तो ये नहीं चाहेंगे कि भाई आपके घर वाले भी देखें और आपकी जो माशरा है और आपके जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट हैं उसमें आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, आपके दफ्तर वाले भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, तो आप नहीं चाहते होंगे कि भाई आप लोगों को वो इस हालत में लोग देखें। तो आप लोग काफ़ी लोग जो है इसमें फंस के अच्छा खासा पैसा बर्बाद कर चुके हैं। तो इसमें आपको बचने की, इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कैसे करना है कि जो भी अपडेट आती है वो आपने अपडेट लाजमी अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लिया करें, ताकि क्योंकि ऐसे जो सिक्योरिटी लीक की होते हैं, ऐसे जो सिक्योरिटी पैच आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो उन्हीं अपडेट्स के अंदर उनको हल किया जाता है। और अगर आपने उनका अपडेट का हल नहीं किया हुआ होगा तो जब भी कोई वायरस या कोई भी ऐसी चीज़ सिक्योरिटी आएगी वो आपका डाटा लीक होगा ही होगा। तो इसके अलावा अगर आपका मोबाइल के अंदर अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपको जो है वो आपको सिक्योरिटी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको अपडेट करते रहें। व्हाट्सएप की भी जो अपडेट है उसको भी अपडेट कर लिया करें, तो ऐसे ही आप जो है वो इस चीज़ से बच सकेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।